फरीदाबाद औद्योगिक नगरी में आज युवाओं को आगे बढ़ने और रोजगार देने के लिए हरियाणा स्किल डेवलपमेंट की ओर से आज फरीदाबाद में मेक जॉब फेयर 2021 का आयोजन किया गया। इस मेगा जॉब फेयर में 23 कंपनियां उनकी जरूरत के हिसाब से कर्मचारियों को अपने यहां नौकरियां देंगी। आपको बता दें कि इस जॉब फेयर में तकरीबन 2000 से ज्यादा बच्चों ने रोजगार पाने के लिए आवेदन पत्र भरा। हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन मेगा जॉब फेयर 2021 के आयोजन के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और हरियाणा के परिवहन, खान, भू विज्ञान, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा के नेतृत्व में रोजगार मेले का शुभारंभ हुआ, जिसमें हरियाणा के लगभग तमाम जिलों से हुनरमंद युवक और युवतियों ने अपने इंटरव्यू दिए। इस रोजगार मेले में पहुंचे हजारों युवाओं को यहां पहुंची 23 कंपनियों में कंपनियों की डिमांड के अनुसार नौकरियां मिलेंगी, जिसका खुलासा शाम तक हो पाएगा कि कितने नौजवानों को नौकरियां मिली हैं। देखिए, आज फरीदाबाद में स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय हरियाणा के द्वारा, इसके मंत्री हमारे मूलचंद शर्मा जी हैं, फरीदाबाद में ये रोजगार मेला लगाया है। 23 कंपनियां उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और हजारों बच्चे उसमें मेले में, रोजगार मेले में भाग ले रहे हैं। अब हर कंपनी को कितने बच्चों की ज़रूरत है वो उनके इंटरव्यू लेने के बाद पता चलेगा, कितने बच्चों को रोजगार मिलेगा। देर शाम तक आपको सबको मालूम चल जाएगा कि इन बच्चों में से कितने बच्चों को आज रोजगार मिला। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ, क्योंकि हिंदुस्तान युवाओं का देश है, जहाँ की 65% आबादी युवा है, 35 साल से कम है, और कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक अपने नौजवानों के हाथ में हुनर नहीं है। और हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी बात का ध्यान रखते हुए देश में पहली बार स्किल मंत्रालय बनाया। आज हर प्रदेश में स्किल मंत्रालय है, कौशल मंत्रालय है, और हमारे नौजवानों के हाथ में हुनर हो, इसके लिए देश में मोदी सरकार भी, प्रदेश में मनोहर जी की सरकार भी तेजी से काम कर रही है। बच्चों के लिए जो अच्छे बच्चे हैं प्रतियोगिता कराती है, उनको इनाम की राशि देती है। पहला हिंदुस्तान का पहला स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी फरीदाबाद को मिली है, हम सबका सौभाग्य है, जहाँ से हर साल हजारों बच्चे हाथ में हुनर लेके निकलेंगे। हुनर की कमी नहीं है, कमी है तो बच्चों के हाथ में हुनर की कमी है, और जिसको मोदी सरकार ने, मनोहर जी की सरकार ने अभियान के रूप में नहीं, मिशन के रूप में लिया है, और हम बहुत तेजी से उस बात में आगे बढ़ रहे हैं। आज हरियाणा सरकार ने जो पूरे प्रदेश का रोजगार मेला लगा, हजारों जो स्टूडेंट हैं आज आए हैं, और हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा जो उनकी चॉइस का है। सारे 23 कंपनी आई हुई उनको रोजगार देने का काम करेंगे। जो कौशल में निपुण हैं जो लड़के, उनको जो पढ़े लिखे जो निपुण हैं जो लड़के हैं, औद्योगिक क्षेत्र में जाएंगे, औद्योगिक क्रांति होगी आने वाले समय में, और उनको एक ही स्थान पर से जिस तरह के बच्चे जो मिलेंगे।